हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गाइड बाय एनसीईआरटी। टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अ न्यू चैप्टर पिनोकियो क्लास फोर्थ इंग्लिश इंटर वर्कबुक सॉल्यूशन गोल्डन। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और पास में लगे लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम करेंगे पिनोकियो लास्ट चैप्टर मैरीगोल्ड का गोल्डन वर्कबुक से पिनोकियो। ओके, पिनोकियो यहाँ पर एक स्लाइड दिया हुआ है पिनोकियो का छोटा सा स्टोरी, और आप लोग पिनोकियो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे भी पिनोकियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ओके, पिनोकियो एडप्टेड फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पिनोकियो। हाउ वॉज द पीस ऑफ वुड? द पीस ऑफ वुड वॉज क्वियर। वॉट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी द कारपेंटर मेड? द आईज। How do you feel when you tell lies to somebody? I feel guilty for the mistakes. How do you feel when you make a puppet and it starts talking real like human being? I felt amazed. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि कारपेंटर ने फर्स्ट बॉडी पार्ट कैसे बनाया था, वो था आईज। फिर अगर आपको किसी को झूठ बोलते हो तो आपको कैसा फील होता है, तो ये सब। ओके, अब नेक्स्ट दिया है वर्ड बिल्डिंग। राइट ईच वर्ड फ्रॉम द वर्ड लिस्ट इन द करेक्ट कॉलम। ओके, तो फर्स्ट वर्ड लिस्ट दिया है बेबी, जू, फार्मर। ओके, पर्सन में आ जाएगा आपका बेबी, फार्मर, मदर, काउबॉय, सिस्टर, जोकर। प्लेस में जू, स्कूल, स्टोर, फार्म, बीच, चर्च। थिंग्स में आ जाएगा आपका एप्पल, नेस्ट, रिंग, कार, पेंसिल। सॉरी, पेंसिल का थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है, PENCIL होगा। ओके, और पेंसिल, डॉल, फायर फाइटर भी हो जाएगा। और फायर फाइटर मतलब जो फाइट, मतलब जो फायर ब्रिगेड मैन है वो नहीं, मतलब जो कार होता है फायर फाइटर कार। और बाइक। तो ये है थिंग्स के नाम, प्लेस के नाम और पर्सन। ये सब नाउन के अंदर अंदर जो जो है वो सब नाउन के यहाँ पर बताया गया है, नाम जो है। तो चलिए, आपको समझ आ रहा ही होगा कि पर्सन के नाम, थिंग्स के नाम और प्लेस के नाम, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था ग्रामर में। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, एज कारपेंटर मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड, राइट हु मेक दिस। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया, इससे बनाना होगा। ये डैश थिंग्स मतलब मड से कौन क्या थिंग्स बनाता है। तो कौन मड से थिंग्स बनाता है? पॉटर। स्कल्पचर मेक थिंग्स फ्रॉम रॉक। आर्किटेक्ट डिजाइन्स बिल्डिंग्स। एंड आयरन स्मिथ मेक्स थिंग्स फ्रॉम आयरन। ए कुक मेक्स डिशेस फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ए गोल्ड स्मिथ मेक्स थिंग्स फ्रॉम गोल्ड। ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेक्स सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स एंड लैंग्वेजेस। टेलर मेक्स गारमेंट्स आउट ऑफ क्लॉथ। ए कॉन्फेक्शनर मेक्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। अब है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। माई टाइम ऑफ ईयर इज जुलाई। My time of year is July when my family goes to visit my cousins। तो ये होगा, यहाँ पर my का first है तो ये होगा capital। Favorite time of year is July when my family goes to visit my cousins। Last summer का L बड़ा होगा, और यहाँ पर V का W बड़ा होगा। और I turned around and see that my uncle grand had turned on the sprinklers to get us wet। तो ये होगा वेट का यहाँ पर होगा, और आई जो होता है वो तो कैपिटल होगा ही। माई लिटिल कजिन मैरी एंड आई प्लेड इन द स्प्रिंकलर्स ऑल आफ्टरनून। यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा। तो माई का यहाँ पर एम बड़ा होगा और आई भी बड़ा होने वाला है। ओके, यहाँ पर मतलब पंक्चुएशन दिया हुआ है, यहाँ पर पंक्चुएशन है, और ऊपर में जो है वो कौन क्या काम करता है और कौन ये काम कब करता है वो सब इसका नाम है। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में भी सेम पंक्चुएशन दिया है। आई इवन गॉट माय अंकल ग्रैंड वेट विद द होर्स। ये होगा आई भी बड़ा, यहाँ पर आई होगा, आई बड़ा होगा। इवन गॉट माय अंकल ग्रैंड का जी बड़ा होगा वेट विद दिस होर्स। अब है इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द होल ईयर। ये होगा इट का आई बड़ा होगा।
अब है रीड द फॉलोइंग स्टोरी आंसर द क्वेश्चन बिलो. किरण कैन कुक रियली वेल. एवरी संडे सी प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. सी कुक्स एग्स, प्रिपेयर सैंडविचेस एंड बेक्स पैनकेक्स. एवरीवन इन हर फैमिली थिंक्स दैट सी मेक्स द बेस्ट पैनकेक्स. ऑन व्हाट डे सी मेक्स द ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन. ये होगा संडे. व्हाट डज सी कुक फॉर द ब्रेकफास्ट. एग्स, प्रिपेयर सैंडविच, बेक पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट. और व्हाट डज सी मेक रियली वेल. ये वाला होगा सी मेक्स रियली वेल पैनकेक्स रियली वेल. डू यू वॉन्ट. अच्छा, हेयर आर सम शॉर्ट क्वेश्चन कॉम्बाइन यूजिंग एंड बट और सो. डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कॉमा. ओके, पर सेंटेंस में कॉमा देने को बोला है. डू यू वॉन्ट पिज्जा फॉर लंच. डू यू वॉन्ट हॉट डॉग्स फॉर लंच. पिज्जा और हॉट डॉग. और है वी आर गोइंग फॉर डिनर और वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी. ओके, तो ये है यहाँ पर बताया गया है जो. ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में. नेक्स्ट पेज में बताया है इट इज गोइंग टू रेन बट वी आर स्टिल प्लेइंग आउटसाइड. इट इज गोइंग टू स्नो. वी विल नॉट हैव गो स्कूल टुमारो. सो वी विल नॉट हैव गो स्कूल टुमारो. वुड इज अ नेचुरल थिंग दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज. टिक सम थिंग्स नेचुरल थिंग्स विद अदर थिंग्स. ये पत्थर हो जाएगा, ये नहीं होगा. ये गोल्ड होगा, ये मिट्टी भी होगा, पानी भी होगा, पर लाइट नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि जो नेचुरल थिंग्स कौन कौन से है उसका पिक्चर दिया है. और भी कुछ कुछ चीज़ का पिक्चर दिया है. जो क्रॉस होगा वो सब क्रॉस होगा और जो नेचुरल थिंग्स है उसमें आपको टिक लगाना है. ओके, जैसे कि यहाँ पर ये यहाँ पर बताया गया था, मतलब यहाँ पर एक लड़का यहाँ से ऊपर से स्नो खोद रहा है, ये तो नहीं होगा और गोल भी नहीं होता है. तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट. और भी यहाँ पर है कॉटन और सीप. तो यहाँ पर कॉटन मिलता है पेड़ से, पर सीप तो नहीं मिलता, तो ये सीप नहीं होगा. और हाँ, यहाँ पर एक पपेट मेकिंग बताया है, वो आप खुद कर सकते हैं, आप ड्राइंग कर लीजिएगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा. सो कीप स्माइलिंग.